एंटीलिया विस्फोटक केस में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कई कामयाबियां मिली हैं। 15 दिन से जिस मिस्ट्री गर्ल की तलाश की जा रही थी वह मिल गई है। सचिन वजह का वह अड्डा भी मिला है जहां सारी साजिश रची जाती थी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया। मिस्ट्री गर्ल का नाम मीना जॉर्ज बताया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मीना ठाणे मीरा रोड पर स्थित 7/11 कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में रहती थी। ये फ्लैट पीयूष गर्ग का है। पीयूष के बारे में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है। यह जगह सचिन वजह के घर के करीब है। यहां से एनआईए ने दस्तावेज जब्त किए हैं। यही मीना से पूछताछ हुई और बाद में उसे गुरुवार देर रात एनआईए दफ्तर ले जाया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि एनआईए को शक है कि मीना ब्लैक मनी को व्हाइट करने में वजह की मदद करती थी। मीना नोट काउंटिंग मशीन के साथ सचिन वजह से मिलने के लिए दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल गई थी। इसकी सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद मीना की तलाश शुरू हुई थी। एनआईए ने दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में एक रेस्टोरेंट पर भी छापा मारा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये रेस्टोरेंट ही सचिन वजह का अड्डा था और वह यही प्लानिंग करता था। एनआईए ने यहां से 65 दिन के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। वे दस्तावेज भी बरामद किए हैं जिसका इस्तेमाल फर्जी सिम कार्ड हासिल करने के लिए किया गया था। इस मामले में रेस्टोरेंट का मैनेजर संदेह के घेरे में है। मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। एनआईए जानना चाहती है कि रेस्टोरेंट में वजह कब और किन लोगों से मिला। वहीं 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी की जिम्मेदारी लेने का धमकी भरा मैसेज तिहाड़ में बंद इडियन मुजाहिदीन के तहसीन अख्तर ने भेजा था। उसने टेलीग्राम के जरिए यह संदेश भेजा था। इस मामले में एनआईए को सुराग मिले हैं कि इस मैसेज को पोस्ट करने के लिए जेल के भीतर संदेश अंडरवर्ल्ड के एक गुर्गे के जरिए भेजा गया था। ये गुर्गा मुंबई के चर्चित जेजे शूटआउट केस में दोषी है। अभी ये गुर्गा अस्पताल में इलाज करा रहा है। एनआईए जल्द इससे भी पूछताछ कर सकती है। इसी दौरान एनआईए के हाथ वसई इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी लगी है। इनमें एक ऑडी कार में वजह विनायक शिंदे के साथ नजर आ रहा है। विनायक मनसुख केस में आरोपी है। ये ऑडी भी बुधवार को बरामद कर ली गई है। इसकी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। ये कार सचिन वजह के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। एनआईए को शक है कि जिस गाड़ी में वजह और शिंदे नजर आ रहे हैं उसी में मनसुख की हत्या की गई है और हत्या के ठीक पहले इस कार का इस्तेमाल किया गया था। एनआईए को अब एक स्कोडा कार की तलाश भी है। गौरतलब है कि अब तक एजेंसी ने 8 गाड़ियां जब्त की हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।